अयोध्या पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल होने वालों पर नकली वेशधारी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी हनुमानगढ़ी और श्री रामलला के दरबार में दर्शन नहीं किए वह लोग इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस नकली वेशधारियों को लगता था कि कहीं दर्शन करने से उन पर सांप्रदायिकता का आरोप ना लग जाए, जिसके डर से वह राम जी का नाम लेने से भी डरते थे। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच मतभेद कराने वाले लोग राम मंदिर निर्माण में बाधा डालते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। विपक्ष के लोग हमेशा हम पर तंज कसते हुए कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हम उनका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह तारीख भी पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने बता दी और मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। आपने क्या कभी मैं नाम दलों के नेताओं का नहीं ले रहा हूं, उनको श्री राम जन्मभूमि या हनुमानगढ़ी में दर्शन करते आते देखा है? नहीं देखा होगा। कारण क्या है कि उनको हमेशा से अभी तक लगता था कि वो कहीं गए तो सांप्रदायिकता का उन पे कोई आरोप न लग जाए, इस भय से राम जी का नाम लेने में डरा करते थे। लेकिन राम जी की महिमा देखिए कि आज कोई भी हिमाकत नहीं कर सकता कि जो हमारे यहाँ के बहुसंख्यक में अल्पसंख्यक में जो भेद करने वाले तत्व थे, जो आपस में भिड़ाने वाले तत्व थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के निर्माण के संदर्भ में बाधा डालने वाले जो तत्व थे, आज उनको ये एहसास हो गया है, शक्ति का, राम भक्तों की शक्ति का एहसास हो गया है, इसलिए अब कोई उसको एक तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज हर व्यक्ति नाम क्यों ले रहे हैं, जो विपक्ष के लोग जो पानी पी पी कर कोसा करते थे, कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये आरोप लगाते थे हम पे, आज तारीख भी योगी जी और मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बता दी।